एजेंसी हिंदू धर्म गुरुवार को गुरु की पूजा करेगा और गुरुवार को श्रीहरि विष्णु की पूजा करेगा। व्रत रखने से आज के दिन धन पुत्र और ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पहले की चीज दान करते हैं तो यकीन करना मुश्किल है। साथ ही इस दिन विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करना चाहिए। यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर उस दिन कोई बहुत अच्छा सितारा हो, सुबह स्नान के बाद पीले कपड़े पहने, फिर हमें प्रसाद बनाने के लिए पहले फूल और चंद्रमा को एक साथ मिलाना चाहिए और भगवान को अर्पित करके इस प्रशासन की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु खुश हों और उनका आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे। हमें बरसात के दिन कम से कम 5 माला 5 ॐ गुरुवे नमः मंत्र की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन उपवास करते हुए केले के पेड़ की पूजा करने का चलन है। यदि आप अपने दान आलू की दाल, छाता, मिठाई आदि के समान दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको भोजन करते समय नमक का एक बकरा जलाना होगा। Agency: Hindu religion will worship Guru Thursday and Lord Sri Hari Vishnu on Thursday. Fasting will get wealth, sun and knowledge on today's day. If you wear yellow clothes on this day and donate the thing earlier, it's hard to believe. Also, on this day, Vishnu's wife Lakshmi's wife is also worship. This fast should start from the first Thursday of Shukla Party. It is considered to be very good if there is a very good star in that day. Wearing yellow clothes after a bath in the morning. Then we should mix the first flower and moon together to make prasad and worship this administration by offering it to God. May Lord Vishnu be happy and his blessings will always be in your home. We should worship at least 5 garland of Om Gurave Namah mantra on the day of the rainy day. There is a trend of worshipping banana tree while performing fast on Thursday. You will get benefit if you donate the same as your donation, potato dal, umbrella, sweets, etc. You have to burn a goat of salt while eating. एजेंसी हिंदू धर्मावलंबी हरुले बिहीबार गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा आराधना करने गर्दचिन आज को दिन व्रत बसनाले धन पुत्र तथा विद्या प्राप्ति होने यो दिन पहेलो रंग को कपा लगाओने र पहेले वस्तु को दान गरिमा सौभाग्य मिलने विश्वास छ साथे यो दिन विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को पनी पूजा गरिच यो व्रत शुक्ल पक्ष को पहिलो बिहबा बात शुरू गर्नु पर्दच त्यस दिन अनुराधा नक्षत्र परिमा असाध्य राम रोमानिच बिहान स्नान पछी पहिलो वस्त्र धारण करने त्यस पछी पहिलो फूल र चंदन लाए एक साथ मिलाए प्रसाद बनाउने र यस प्रसाद लई भगवान लाए अर्पण गरे पूजा गर्नु पछ यस बार भगवान विष्णु प्रसन्न भए उहाँ को आशीर्वाद तपाई को घरमा सध भई रहने छ। व्रत को दिन शुद्ध भए पहिलो कपा लगाई उन गुरुवे नमः मंत्र कमतिमा 5 माला जाप गर्नु पर्दछ। बिहीबार को व्रत संपादन गर्दा केरा को रुखलाई पूजा गर्ने चलन छ। पूजा गर्दा पहिलो चंदन चना को दाल छाता मिठाई को रूपमा लड्डू आदि को दान गरिमा लाभ मिलने छ। भोजन गर्दा एक चाकनुन बानु पर्दछ।